खबराड़ी कानपुर नगर से, जहां राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने निर्णय लिया है कि आयुष्मान कार्ड व आवास के लिए जिलाधिकारी कानपुर नगर को सौंपेंगे ज्ञापन और मांग करेंगे उन्हें जल्द से जल्द ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इस संबंध में आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में आहूत की गई। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान कार्ड के आवेदन सीएमओ कार्यालय में और आवास के लिए आवेदन डूडा कार्यालय में काफी लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन आज तक इस योजना का कोई भी लाभ विकलांगों और जरूरतमंदों को नहीं मिल पाया है। ज्ञापन में विकलांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 को सभी थानों में लागू करने की मांग करेंगे। आज बैठक में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार, जिलाध्यक्ष राहुल कुमार, महिला मोर्चा की अल्पना कुमारी, जिला महासचिव अनंत तिवारी, मंडल महिला मोर्चा से शिवदेवी, दिलीप कुमार, गुड्डी दीक्षित, बंगाली शर्मा, राम कुमार, गंगा सागर आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर नगर से कमलेश शुक्ला की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़।